अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सलमान है और आज मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा जो सेल्फ मेडिकेशन लोग कर रहे हैं कोरोना वायरस से रिलेटेड, उस बारे में आपसे डिस्कस करना चाहता हूं। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा सोशल मीडिया पे काफ़ी दिनों से चल रहा है हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन या क्लोरोक्वीन या HCQ या एजिथ्रोमाइसिन एंटी मलेरियल ड्रग्स या ये एंटीबायोटिक है, इसका लोग कहते हैं काफ़ी रोल है कोरोना वायरस के ट्रीटमेंट के अंदर, लेकिन अभी तक इसके कोई प्रॉपर रिसर्च नहीं हुई। सिर्फ 10-15 पेशेंट्स के ऊपर क्लिनिकल ट्रायल उन्होंने किया होगा लेकिन कोई पब्लिश्ड ऐसी कोई रिसर्च नहीं है जो इसको प्रूव कर सके। इस रिपोर्ट की वजह से एक तो मार्केट में ये मेडिसिन शॉर्ट होगी। क्लोरोक्वीन, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन जो कि एंटी मलेरियल ड्रग है, एंटी रोमेटिक ड्रग है जो रोमेटोलॉजी के पेशेंट्स में काफ़ी यूज़ होती है, मार्केट में फ़ौरन लोगों ने एज़ यूजल शॉर्ट कर दी। एजिथ्रोमाइसिन जो है वो मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक है जो गले खराब में या हम लोग चेस्ट इन्फेक्शन में, माइनर चेस्ट इन्फेक्शन में देते हैं, लेकिन वो भी अगर आपको प्रॉपर कोई डॉक्टर कहे तब। लोगों ने इसका गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, सेल्फ मेडिकेशन शुरू कर दी और इसके बहुत ज़्यादा सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स हैं। एंटीबायोटिक के साइड इफ़ेक्ट एज़ यूजल आपको पता है होते ही हैं। HCQ, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन या क्लोरोक्वीन रेसोजिन ये सारी टैबलेट जो हैं ये एंटी मलेरियल एंटी रोमेटिक्स हैं। इसका सबसे इम्पॉर्टेंट जो साइड इफ़ेक्ट है वो ये है कि ये रेटिना पर इफ़ेक्ट करता है, आपकी आँखों की जो नाड़ें या वेसल्स हैं उनके ऊपर इफ़ेक्ट करता है और मैकुला को और रेटिना को ये डिस्ट्रॉय करता है या डिस्टर्ब कर देता है विद इट्स टॉक्सिसिटी। तो इसको बगैर पूछे किसी से नहीं लेना चाहिए। लोगों ने देखा कि सोशल मीडिया पे ट्रेंड चला है कि क्लोरोक्वीन, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन का कोई रोल है, उन्होंने फ़ौरन ये खरीद के खाना शुरू कर दी, सेल्फ मेडिकेशन शुरू कर दी, जो कि बहुत ही गलत चीज़ है। इसको आपको रोकना चाहिए और इसको डॉक्टर्स को चाहिए कि बताना चाहिए कि इसको ना खाएं इस तरह। तो विदाउट प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन, विदाउट प्रॉपर कंसल्टेशन मैक्रोलाइट्स जो कि एजिथ्रोमाइसिन है और HCQ, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन, क्लोरोक्वीन एंटी मलेरियल ड्रग या कोई भी ऐसी ड्रग्स जिनकी कोई प्रॉपर रिसर्च नहीं है, इनके यूज़ को डिस्करेज करना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए कि ये ना इस्तेमाल करें, इसके बहुत साइड इफ़ेक्ट्स हैं। ये एक छोटी सी बात थी जो मैं सेल्फ मेडिकेशन के बारे में करना चाहता था आज। थैंक यू सो मच।